लग रहा है कि हांगकांग में हमारा प्रीमियर हो रहा है, लोगों ने वहाँ भी इतना प्रोत्साहन दिया कि हम लोग अपनी फिल्म वहाँ पर शोकेस कर रहे हैं. एंड इन फैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एनी हिंदी बॉलीवुड फिल्म इज़ गोइंग टू हांगकांग टू बी शोकेस्ड विद देयर ऑडियंसेस. सो आई फील प्रिविलेज्ड अबाउट द फैक्ट. बिकॉज इनके पास कोई चॉइस ही नहीं था, एक तो कोई दूसरी पिक्चर है नहीं और इन्होंने बोला अब यही बच्चे को चेल हो गए इन्हीं को ले चलते. नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है. दिस इज नो एंड आई थिंक दिस मूवी इज गोना गेट वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स बिकॉज पीपल आर रियली वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ थिंग. एंड ये एक इंडियन कल्चर और चाइनीज कल्चर को मिक्स करने की भी वहाँ पर हमारी तरफ से कोशिश है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट द मूवी गेट्स गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस एज़ वेल. फिलहाल तो हमारी सेम लैंग्वेज में ही रखेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं जो देखते हैं बॉलीवुड फिल्म्स, और इसीलिए जब हमको इनविटेशन आया वहाँ से तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ऐसा शोकेस करें. हम अपने जो हिंदुस्तानी वहाँ बसे हुए हैं उनके लिए हम लोग लाइव बॉलीवुड फर्स्ट टाइम ऐसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें प्लस अपनी फिल्म उनके साथ शोकेस करें. लेकिन ऑफकोर्स डिपेंड करता है क्योंकि लोकल जनता का मतलब उनकी लोकल चाइनीज में क्या रिस्पॉन्स होता है. एंड इफ इज पॉसिबल देन वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डब द फिल्म इन देयर लैंग्वेज. होपफुली दे विल एम्ब्रेस बॉलीवुड और हम और भी चाहते हैं कि और ऐसी फिल्में इंडियन फिल्म्स वहाँ शोकेस हो और उनके कल्चर में हमारे को इम्बाइब किया जाए और उनको भी पता चले कि हमारी बॉलीवुड फिल्म्स कैसी होती है. इंडियन की चांदनी बेसिकली इट हैज अ वेरी इंडियन फीलिंग टू इट. इट्स अबाउट एन इंडियन वेडिंग, अ लैविश इंडियन वेडिंग with all those North Indians coming in, you know, वो एक इंडियननेस आती है, उसमें इंडियन फील आती है.